इस वीडियो को देखने के बाद तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये कोई हॉलीवुड मूवी या फिर मद्रासी का सीन है। इस किस्म की एडिटिंग और VFX सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड या मद्रासी मूवीज में होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई हॉलीवुड या मद्रासी मूवी नहीं, बल्कि हमारे सिंधी नौजवानों की मेहनत है। ये नौजवान कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं और ऐसी एडिटिंग और VFX हमारी सिंधी मूवीज में क्यों नहीं होती जैसा कि इन नौजवानों ने हमें इस वीडियो में दिखाई है। इनके पेज का नाम है आदम के बेटे। सबसे पहले तो मैं आपको इन नौजवानों से मिलाऊंगा। ये है सज्जाद अली जत्याल, जो कि इस टीम को लीड करते हैं और इन वीडियोस के डायरेक्टर हैं। और ये है MK बलोच और इम्तियाज खोसो, ये दोनों भाई हैं। और आपने इनको वीडियोस में नहीं देखा होगा क्योंकि ये हमेशा बैकग्राउंड में ही रहते हैं, लेकिन असल मेहनत इन्हीं दो भाइयों की है। आदम के बेटे पेज पर जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं या जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, उन सभी वीडियोस के कैमरामैन और एडिटर यही दो भाई हैं। आदम के बेटे पेज पर ये नौजवान सिंधी जबान में वीडियोस बनाते हैं और इनकी एडिटिंग और एक्टिंग देखकर आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि ये कोई सिंधी नौजवान है। लेकिन हाँ, ये सिंधी नौजवान है जिनकी मेहनत को कहीं प्रमोट किया ही नहीं गया। इस टीम का ताल्लुक सिंध जिले दादू के शहर मेहर से है। और सबसे खास बात, इन वीडियोस को VFX, CGX और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ एडिट किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड या मद्रासी मूवीज में होते हैं। आदम के बेटे पेज के बाकी किरदारों से भी मैं आपको मिलाता हूं, जिनकी एक्टिंग अगर मैं कहूं कि पानी की तरह है तो गलत नहीं होगा। पानी अगर जिस भी बर्तन में डाले तो वही आकार ले लेता है। और यही खास बात आपको मिलेगी आदम के बेटे पेज के सभी किरदारों पर। ये है शहरयार हबीब सियाल, मंसूर अली मला, हैदर अली दरियाणी, इनायत अली, और उमर खोसो। अरे छोरा ता के कर दे ते सिंधी साहब चाहे घोड़ा रे मरी रे भजो रे भजो अरे माथे जवा तो भजो अरे मरी छोरा मरी भजो। ये सभी अपना अपना किरदार अदा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि सिंधी फिल्म इंडस्ट्री इस तरह के VFX वाले वीडियोस एडिट क्यों नहीं करते या ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनाते, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन आदम के बेटे पेज पर मेहर टीम जो काम करती है, इतने अच्छे वीडियोस के बावजूद भी उन्हें कामयाबी क्यों नहीं मिलती, तो इसका सीधा सीधा जवाब है आप, ये आपके हाथ में है। अगर आप इसको और इसको वायरल कर सकते हैं तो सिंध में मौजूद मेहर शहर के इस टैलेंट को क्यों नहीं। अगर आप इन दोस्तों के वीडियोस देखेंगे और शेयर करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं जब इस टीम की मेहनत और आपके सपोर्ट से सिंधी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख को ये नौजवान कुछ अलग ही मंजिल पर ले जाएंगे। तो जितना हो सके आदम के बेटे पेज को फॉलो करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।